हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मूंग दाल चीला, इसे मूंगलेट भी कहा जाता है। हमने इसकी तैयारी करके रख ली है। हमने मूंग दालें 4 घंटे पहले भिगो दी थी और इसका एक बारीक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा डालेंगे आधा पिंच सोडा, मीठा सोडा। और ये हमने पीसते समय इसमें हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक डाली है और थोड़ी सी डाली है हींग, और एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। और हमने कुछ सब्जी काट के तैयार करी है, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और चुकंदर, पत्ता गोभी। और इसे हम इसी तवे पे इसे फैला देंगे। ये खाने में तो टेस्टी लगता ही है और हेल्दी भी होता है। बच्चों को आप टिफिन में भी इसे बना कर रख सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे सब्जियां, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ। सब्जी आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। ये डालेंगे शिमला मिर्च, थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ी सी डाल देंगे गाजर, सारी सब्जियां इस तरीके से फैला देंगे। अब डालेंगे कटा हुआ चुकंदर। गैस को आप मीडियम ही रखें। थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे हम पनीर, ये एक तरफ सिक जाएगा अच्छी तरह, तो हम इसे पलट देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंडों में, ग्रुप में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा सा डालेंगे साइडों से ऑयल, उसे पेचूला की मदद से पलट देंगे। ये देखिए एक साइड सिक चुका है। और इसे हम फिर पलट देते हैं। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसे खाते हैं गर्मा गर्म। थैंक यू।